सभी साधर्मिक भाई बहनों को वंदना शाह का सादर जय जिनेन्द्र। रोज की तरह हम फिर आज एक साथ प्रभु की भक्ति करेंगे, हीलिंग देंगे, हीलिंग लेंगे, अपने को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम रीम क्लीम श्रीम अरहम श्रीम वृषभनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। मार्तुंग आचार्य जी की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो अष्ट कर्म के नाश से ही सिद्ध हुए हैं, वे अष्ट गुणों से सदा विशिष्ट हुए हैं, लोकाग्र में रजते हैं वो, लोकाग्र में राजते हैं वे सिद्ध अनंता, सर्वार्थ सिद्धि देते हैं वे सिद्ध महंता। शीश नवा अरिहंत को सिद्धन करूं प्रणाम, उपाध्याय आचार्य का ले सुखकारी नाम। सर्व साधु और सरस्वती जिन मंदिर सुखकार, आदिनाथ भगवान को मन मंदिर में धार, मन मंदिर में धार। आदिनाथ भगवान को मन मंदिर में बैठा लिया है। सभी कषायों को दूर भगा दीजिए, चारों प्रकार के आहार का त्याग और सभी कषायों से विमुक्त होकर हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हीलिंग लेंगे। प्रार्थना हृदय की गहराइयों से निकला हुआ ऐसा भाव है जो हमारे विचारों और हमारी आत्मा में अद्भुत शक्ति, शांति और सुकून भर देता है। प्रार्थना के माध्यम से हम उस परम शक्ति, परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं। जैसे भोजन हमारे शरीर के लिए जरूरी है, वैसे ही प्रार्थना भी हमारी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। प्रार्थना से भरा हृदय विश्वास और प्रसन्नता से भर जाता है, और ये प्रार्थना जिंदगी में तभी असर करती है जब शब्दों के साथ आपके हृदय का भाव भी जुड़ जाए। क्योंकि बिना शब्दों के तो प्रार्थना हो सकती है, पर बिना भावों के प्रार्थना कभी संभव नहीं। इसलिए कोमलता से आंखें बंद कर उस मनोहारी प्रतिमा जी के समक्ष खड़े हो जाइए, जिनके हम रोज दर्शन करते हैं। उस प्रतिमा जी के इतना उसका ऑरा एक्सपेंड है कि हमारी आंखें चौंधी आ रही हैं। इतनी चमक, इतनी रोशनी, बस उसमें से भी दाहिने पैर के अंगूठे से जो चमचमाती रोशनी निकल रही है, सिर्फ उतने से हमारा काम हो जाने वाला है। वो रोशनी ग्रहण करने की कोशिश कीजिए। पूरे भावों का गेम है। भावों से हम अपने किए हुए कर्मों का पश्चाताप भी कर सकते हैं, प्रभु के समक्ष, प्रभु के बिल्कुल पास भी पहुंच सकते हैं, और अपने कर्मों से प्रभु से दूर भी हो सकते हैं। चलिए तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओम एक ऐसा डिवाइन साउंड है जिसमें पंच परमेश्वर ही निहित हैं। भगवान से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए हम ओम का उच्चारण करेंगे। गहरी सांस भरेंगे, सांस रोक के रखेंगे, फिर जब सांस छोड़ेंगे तो ओम के उच्चारण के साथ छोड़ेंगे।
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अर्हं नमः। बड़े बाबा, हम मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि के संग आपकी भक्ति के लिए प्रेरित हुए। प्रभु, किसी की आस न टूटे, किसी का विश्वास न टूटे, सबका मंगल हो, हर घर मंगल। हम आपकी पूजा, भक्ति, अर्चना थोड़े से स्वार्थ के कारण भी कर रहे हैं। इस जीवन में हमारा मकसद हम अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वाह करते हुए मोक्ष पथ पर चलते रहें, आपके दिखाए हुए मार्ग पर चलते रहें, आपका आशीर्वाद हमारे जीवन में सदा रहे, ऐसी हम मंगल कामना अपने लिए और सबके लिए करते हैं। करती हूँ तुम्हारी पूजा, स्वीकार करो नाथ, मैं आई शरण तुम्हारी, बीड़ा पार करो नाथ, बीड़ा पार करो नाथ। विजय आदीश्वरा, जय जय आदीश्वरा, आई तेरी दरबार में मैं बन के भिखारी, दर्शन मुझे दो स्वामी, ओ कुंडलपुर अवतारी। मैं सच्ची लगन से आई, मैं सच्ची लगन से आई, भव पार करो नाथ, मैं आई शरण तुम्हारी, बीड़ा पार करो नाथ, बीड़ा पार करो नाथ। तो भगवान की भक्ति से हम सबका बेड़ा पार हो ही जाने वाला है। अब हम प्रभु की भक्ति आदि प्रभु की भक्ति भक्तामर के श्लोकों से भी कर लें। सर्वप्रथम उन्हें 26वें नंबर के श्लोक से वंदन कर लें, नमन करें। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामय भूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय, तुभ्यं नमो जिनभवो दधि शोषणाय। पांचवें नंबर का श्लोक लूंगी आज। सभी के नेत्रों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन रहता है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, बच्चे मोबाइल टैब भी बहुत खेलते हैं, जमाना ही बदल गया है, पर बहुत ज्यादा आंखों में जलन हो, इरिटेशन हो, तो हम इस श्लोक के अनुष्ठान से, पठन पाठन से, भले आप 9-9-9 बार ही करिए, पर जो श्लोक आपको सूट होते हैं, आपको यदि आंखों में प्रॉब्लम है तो आप ये पांचवें नंबर का श्लोक कर सकते हैं। आंखों पे हाथ रखकर दोनों हाथों को बहुत जोर जोर से रब करें। जब ये हथेलियां गर्म हो जाएं, इनसे एनर्जी का प्रवाह शुरू हो जाए, तब हम इन दोनों हथेलियों को इस तरह से अपने आंखों पे रख कर हीलिंग ले सकते हैं। सभी अपने आंखों पर हाथ रख कर भावों से पूरी ऊर्जा को अपने चक्षु में प्रवेश करवाइए।
सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। एक शॉर्ट में मैं पांचवें नंबर के श्लोक का भी अर्थ बता दूं। पांचवें नंबर के श्लोक में भी मानतुंग आचार्य अपनी लघुता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि प्रभु मैं क्या चीज हूं, कुछ भी नहीं, फिर भी आपके भक्ति के वशीभूत होकर मैं भक्ति कर रहा हूं, इन श्लोकों की रचना कर रहा हूं। ठीक उसी तरह जिस तरह से एक मृगी या मृग हिरण, उसके समक्ष यदि शेर आ जाता है, एक तरफ उसका बच्चा रहता है, तो भी वो हिरण शेर से लड़ जाता है बिना इस बात की परवाह किए हुए कि उसका सामर्थ्य क्या है, वो जीत पाएगा या नहीं, पर अपने बच्चे को बचाने के लिए, अपने बच्चे से प्यार के कारण वो हिरण उस शेर से भी भिड़ जाता है। ठीक उसी तरह मैं भी अपना सामर्थ्य ना पहचानते हुए आपका मुखमंडल देखकर आपकी भक्ति के वशीभूत हो गया हूं। मानतुंग आचार्य जी कह रहे हैं ये। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्य मविचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। मंत्र ओम रीम श्रीम क्लीम क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। देखिए श्लोक में हमने आदि प्रभु की भक्ति कर ली, मंत्र में हम सुपार्श्वनाथ प्रभु को याद कर रहे हैं। सुपार्श्वनाथ प्रभु जिनका लंचन स्वस्तिक होता है, उनकी हम अर्चना कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। कभी मंत्रों में पार्श्वनाथ भगवान आएंगे, कभी सुपार्श्वनाथ आएंगे। इस तरह से हम 48 श्लोकों में अलग अलग जिनेन्द्र भगवंत की, रीतिधारी मुनिराजों की बहुत उत्तम भक्ति कर लेते हैं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य
श्री सो पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सो पार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहम नमो ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अहम नमो अनंतो हि जिनानं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। हम जब अपनी आंखों पे हथेलियां रखते हैं तो ये उंगलियों से ऊर्जा उतनी नहीं निकलती जितनी की हथेलियों से निकलती है। आप महसूस कीजिए जब बिल्कुल ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो जाए, हथेलियां बिल्कुल गर्म हो जाए, तब इन्हें अपनी आंखों पे रख के देखिए कितना अच्छा कितना गर्म गर्म लगता है। बॉडी की उसकी आईज की जो मसल्स रहती है उनको बहुत आराम मिलता है। इसीलिए तो कभी ककड़ी फ्रिज वाली या कभी बर्फ, ये आंखों को साता पहुंचाने के लिए, उनको कूलिंग पहुंचाने के लिए ये सब हम करते हैं। तो उसी तरह ये उंगलियां रखने से उतना फायदा नहीं होगा जितना हम हथेलियां रखते हैं। चलिए छठवें नंबर के श्लोक से अब हम प्रभु की भक्ति करते हैं। कोई भी चिंता भय परेशानी डिप्रेशन जो हमारे जीवन में, कभी व्यापार को लेकर, कभी परिवारजनों को लेकर, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बच्चों की चिंता लगा ही रहता है, पर चिंता करने से चिंता जाती है क्या? नहीं। एक एक पल हमारा सुनिश्चित है। चिंता तो आती है, खैर बिना पूछे चिंता आ जाती है, चिंता लाना नहीं पड़ता। पर चिंता जैसे ही आए, प्रभु भक्ति अपने माथे में दिमाग में ले आइए, उस चिंता को रिलीज कर दीजिए, सारी चिंता प्रभु के चरणों में अर्पण कर दीजिए। जब हमारे सोचने से कुछ होता ही नहीं है तो हम ज्यादा क्यों सोचें? सिर्फ सोचें तो प्रभु के बारे में ही सोचें। तो छठवें नंबर का ये श्लोक हमारे मस्तिष्क पे काम करता है। बच्चों को ये सिखाने से बच्चे कुशाग्र बुद्धि बनते हैं। कोई चिंता ना भी हो तो भी ये हमें प्रसन्नता देता है। तो इस श्लोक का असर सीधे आज्ञा चक्र पर होता है। आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए पूरी की पूरी छठवें नंबर के श्लोक की एनर्जी हम अपने आज्ञा चक्र को देते हैं। शरीर में मेन सात चक्र होते हैं।
ये क्राउन है, ये आज्ञा चक्र है। अभी हम छठवें नंबर के श्लोक की पूरी एनर्जी अपने आज्ञा चक्र को देंगे। चलिए, अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वत् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम तच्चामृचारु कलिका निकरैक हेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। इधर पांचवें नंबर के श्लोक में मानतुंग आचार्य जी ने अपनी तुलना हिरण से की थी, अब वो अपनी तुलना कोयल से कर रहे हैं। आम के पेड़ पर मोर आते साथ कोयल कुहू कुहू करने से अपने को नहीं रोक पाती, उसी तरह आपका मुखमंडल देखकर प्रभु मैं अपने आप को आपकी भक्ति करने से नहीं रोक पाया। तो अब इधर उन्होंने उदाहरण कोयल का दिया हुआ है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वद् भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरोति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु। मंत्र एक एक मंत्र का बीजाक्षर बहुत पावरफुल होता है। जितनी उनमें उसमें एनर्जी है उतने ही एनर्जिक मन से आप उसे ग्रहण कीजिए। बिल्कुल वो मंत्रों की एनर्जी मेरे या तो क्राउन एरिया से या आज्ञा चक्र से बिल्कुल अंदर घुस रही है, पूरे मेरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। एक एक ब्लड वेसल्स मेरी मेरे खून रक्त धमनियों में वो बीजाक्षर अपनी एनर्जी छोड़ रहे हैं और मैं स्वस्थता की ओर बढ़ रही हूँ। ओम ह्रीम श्याम श्रीम श्रोम हम सम ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम फॉर जिनवाणी माता। जितना हम स्वाध्याय करेंगे उतना ही हम अपने कर्मों को आसानी से सहन कर पाएंगे। जीवन के उतार चढ़ाव जो हमें परेशान करते हैं, दिमाग में परेशानी आई, भय चिंता आई और उससे हमारा शरीर इफेक्टेड होने लगता है, बॉडी के हार्मोन सब उल्टे पुल्टे चलने लगते हैं। देखिए दिमाग में यदि चिंता डिप्रेशन आया, थोड़ा सा पेट में दर्द रहता है ना, हृदय की धड़कने थोड़ी बढ़ जाती है ना, तो ये हार्मोन सब उल्टे पुल्टे चलने लगते हैं यदि आपने दिमाग में चिंता लाई तो। चिंता आती है पर उसको प्रभु भक्ति से रिलीज करना है। पूरा डिप्रेशन हमको प्रभु की भक्ति से रिलीज करना है, सब सेटल होगा अपने वक्त से अपने टाइम से। ओम ह्रीम श्याम श्रीम श्रूम श्रह हम सम ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्याम श्रीं श्रूं श्रः हम सम ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरुकुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्याम श्रीं श्रूं श्रः हम सम ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम रीम श्याम श्रीम श्रूं श्रः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम श्याम श्रीम श्रूं श्रः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम श्याम श्रीम श्रोम श्रा हम सम था 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 ठा ठा सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीम ओम में पंच परमेष्ठी रीम में 24 तीर्थंकर विद्यमान होते हैं और हम अहंकार को नष्ट करने के लिए है। क्लीम बीजाक्षर लक्ष्मी के लिए है, तो एक एक बीजाक्षर को फील कीजिए। ओम रीम श्याम श्रीम श्रूं श्रः हं सं था था ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अहम में अरिहंत परमेष्ठी को नमस्कार करते हुए अपने अहम का हम त्याग करने की कोशिश करते हैं। ओम ओम रीम श्याम श्रीम श्रूं श्रः हं सं था 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। अब हम रिद्धि की ओर चलते हैं। रिद्धि कोठ बुद्धिनम, ऐसे कुशाग्र बुद्धि धारी मुनि राजों को बारंबार मेरा पूरी शक्ति से नमस्कार हो, इस भावना के संग ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो कोठ बुद्धिनम झ्रौम झ्रौम नमः स्वाहा। पूरी भय चिंता परेशानी अपने कषायों का स्वाहा छोड़ दिए हमने, स्वाहा कर दिए प्रभु के चरणों में। कम से कम इस वक्त तो हमने स्वाहा किए हैं। देखिए हम सब मिलके 2 घंटे प्रभु की भक्ति करते हैं मॉर्निंग सेशन में, इसका मतलब हम कितना पुण्य का बंध करते हैं। यदि हम भक्ति वाले सेशन में ना बैठें, घर के काम करें, रोजमर्रा के काम करें, फालतू की टेंशन इससे खटपट उससे खटपट सुबह उठते ही साथ हो जाती है। हम गैस जलाते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। पानी का उपयोग शुरू कर देते हैं, कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। एटलीस्ट हम अभी 2 घंटे वो सब हमको करने पड़ेंगे, पर हमने 2 घंटे तो पुण्य का बंद किया। हम कभी भी अपने रोजमर्रा के काम करते हैं तो एक भावना मन में हमेशा धारते रहिए सुबह उठते साथ की, प्रभु मैं अपने जीवन जीविका को चलाने के लिए जो ये सब कार्य करती हूँ, फिर भी कोशिश करनी चाहिए। गैस को झाड़ के फूके बिना तो कभी प्रज्वलित नहीं करना चाहिए, ये हम सभी जानते हैं। पानी कम से कम बहाना चाहिए, गर्म पानी मोरी में नहीं डालना चाहिए। गैस को अच्छे से झटक लें, फूक लें, उसके बाद भी माफी मांगे,
कि इस अग्नि प्रज्वलित करने में यदि किसी माइक्रोस्कोपिक जो मुझे दिखे नहीं उन जीवों की हिंसा हुई हो प्रभु, तो मिच्छामि दुक्कड़म, मैं कितनी अभागी हूं प्रभु कि मैंने पंचम काल में जन्म लिया, इसके बाद भी मेरे दीक्षा के भाव नहीं होते। पर हम संसार में रहते हुए भी बहुत सारे अपने कर्मों को बचा सकते हैं, जो हमें नरक की ओर ले जाते हैं ऐसे कर्मों को हम बचा सकते हैं। एक सॉरी का भाव अपने मन में रखिए और एक उन जीवों के प्रति झाड़ते हुए पहुंचते हुए ये मन में भाव रहिए कि अनजाने में जो जीव जीवों का संहार मेरे द्वारा हो रहा है, प्रभु उनको मुक्ति मिले और मुझे क्षमा मिले। मैं तो बिल्कुल नियम बना लिया है मैंने ये भाव अपने दिल में रखने का, तो मेरा जो रूटीन है मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि आप सब भी ऐसा करिए। मन में बहुत सुकून मिलता है, आनंद मिलता है। रोज के कार्य तो हम करते ही हैं, करने ही पड़ेंगे। तो प्रभु हम आपसे एक श्लोक प्रभु की भक्ति कुछ मांगने के लिए करें ना करें, एक स्वारी का भाव उठते बैठते रोसोते जागते जरूर रहे, तो उससे हमारे बहुत कर्म कटते हैं। हमारे याद रहे हमारे जिनेंद्र भगवंत सृष्टि के रचियता बिल्कुल नहीं है, उल्टा उन्होंने खुद चतुर्थ काल में जन्म लेकर इस सृष्टि को समझाया है। अपने केवल ज्ञान से वो रहस्य देखे हैं और उनपे से पर्दा उठाया है कि बहुत ज्यादा दुख भरा संसार है ये, इसको छोड़ देना त्याग देना इसमें ही भलाई है। ये पंचम काल जिसमें हम अभी हैं, हुंडा अवसर्पिणी पंचम काल में जिसमें हम हैं, प्रभु तो ये तभी बता के चले गए। प्रभु ने ये भी कहा है छठवां काल आने वाला है, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। परिस्थितियां बदल गई हैं, लोग बदल गए हैं, सब कुछ बदल गया है। तो प्रभु की वाणी को अकाट्य मानकर जैसा प्रभु बोल के गए हैं सब वैसा का वैसा घटित हो रहा है। छठवां काल भी आएगा, इतना त्राही माम कैसे झेल पाएंगे हम, पंचम काल में परेशान हैं, छठवां काल कैसे देख पाएंगे प्रभु। इससे पहले ही मुझे इतनी बुद्धि दे दो कि मेरी आत्मा का मैं कल्याण करूं, और सिर्फ मैं अपनी आत्मा का कल्याण ना करूं, मैं अपने से जुड़े हुए सारे लोगों का साथ में कल्याण कर किसी दिन साधु पद को प्राप्त करूं, किसी भव में साधु पद को प्राप्त करूं और आपके साथ सिद्ध शिला पर आकर विराजमान हो जाऊं। प्रभु ने ये कभी नहीं कहा कि मैं भगवान हूं मुझे पूजो, मेरे आगे धूप दीप नैवेद्य करो। प्रभु ने कहा है मैंने जो लेसन्स बताए हैं उस पाथ पे चलो, तुम मेरी भक्ति नहीं करोगे तो भी चलेगा, पर मैंने जो मार्ग बताया है उस पे चलोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। मैं ईश्वर नहीं हूं, मेरी बात मानोगे तो तुम बिल्कुल पैरेलली मेरे साथ आके बैठ जाओगे, मैं बिल्कुल अपने जैसा उच्च स्थान तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। पहला ऋषभ दूसरा अजितनाथ, उनकी बात अजितनाथ जी ने मानी, बिल्कुल सेम टू सेम वो उनके साथ आके बैठ गए, वो हमारे दूसरे तीर्थंकर हो गए। इसी तरह तीसरे चौथे 24 तक हुए और उन सभी ने आदि प्रभु की बात मानी और बिल्कुल आदि प्रभु जैसे उन्होंने श्रेष्ठतम पद को प्राप्त कर लिया। वो तो कालानुसार और एक क्रम के अनुसार उनका ऊंचा पहला दूसरा तीसरा इस तरह से क्रम है, अदरवाइज उनकी श्रेष्ठता तीर्थंकरों की एक ही है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 17वें नंबर के श्लोक की ओर। 17वें नंबर का श्लोक किसी भी प्रकार की निम्न से निम्न पीड़ा हो उसका शमन करता है। इसके मंत्र में जठर शब्द का भी प्रयोग आता है, इसका मतलब है ये पेट से रिलेटेड सारी बीमारियों को, पूरी बीमारियां शरीर में या तो मेंटल रिलेटेड होती हैं या पेट रिलेटेड होती हैं। बीमारियों का घर ही पूरा पेट होता है हमारा, और नहीं खाने से बीमारियां नहीं होती, बीमारियां तो खाने से ज्यादा होती हैं। हमारे महाराज लोग देखिए कितने स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि उनका चित्त खाने में है ही नहीं ना, वो लालची है ही नहीं, वो उतना ही खाते हैं जितना कि उनके उनको जिंदा रहने के लिए जरूरी है। हम बहुत लालची हैं,
खाते रहते हैं और अपना अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाते रहते हैं। तो हम अब 17वें नंबर के श्लोक की ओर चलेंगे। दोनों हाथों को रब करके पूरी ऊर्जा अपनी नाभि पे हाथ रख के सुनिए। पेट के सारे ऑर्गन्स आंखें बंद करके मैं देख पा रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पेनिक्रियास, बैक साइड पे थोड़ी किडनीज, गॉल ब्लैडर, जितने भी अवयव हैं हमारे, यूटेरस, ओवरी, सभी प्रॉपरली हील हो रहे हैं, उनसे हार्मोन्स प्रॉपरली सीक्रेट हो रहे हैं। अब मुझे कोई रोग परेशानी नहीं रहेगी। ये हीलिंग सेशन हम सब का साथ हमको बहुत ज्यादा प्रसन्नता दे रहा है। अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशंस दीजिए। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। इतने सारे हीलिंग सेशन सुबह से लेकर रात तक चलते हैं। हर सेशन देखिए, काम भी कर रहे हैं तो भी सुनिए, क्योंकि जिससे हमारी नहीं बनती है उसको हम गाली देते रहते हैं, उससे बेस्ट है हम श्लोक सुनते रहें। तो हमारा क्या होगा, कर्म बंधन भी नहीं होगा नया, और इधर शुभ फलों अशुभ बंधन होता रहेगा। तो चलिए, अब हम एज ए हीलर, मेरी तो ऐसी आदत हो गई है कि कभी कभी मतलब मैं स्क्रीन पे नहीं बोलना चाहिए, टॉयलेट में भी बैठे तो कभी कभी अल्प श्रुतम श्रुतवतामि याद आ जाता है, फिर ऐसा लगता है अरे मैं ये क्या कर रही हूं। मतलब श्लोक इस तरह से जीभ पे बैठ गए हैं कि मैं कुकिंग करूं, कुछ भी करूं, तो वो मुझे श्लोक ऑटोमेटिक मुंह में आते रहते हैं। तो मैं भगवान का धन्यवाद अदा करती हूँ कि भगवान एक इतना अच्छा चलन मुझे दिया है, मुझे इतना अच्छा एक हीलर का पद आईवीएस सेंटर ने, भैया दीदी ने मुझे दिया है, एक इतनी अच्छी राह मिल गई है कि शायद आपने मेरे लिए कुछ अच्छा सोचा होगा, इसीलिए मैं इस राह पर चली और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से मिलना, दो शब्द धर्म के सुनाना। तो चलिए, नाभि पे हाथ रख के 17वें नंबर के श्लोक से भक्ति कर लेते हैं। नासं कदाचिदुपयासी नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनिन्द्रलोके नास्तम कदाचिदुपयासी नराहुगम्यः। इस श्लोक में अब पूरी की पूरी तरह से प्रभु की महिमा का वर्णन है। प्रभु की महिमा इतनी है उनके केवल ज्ञान सूर्य का, उसकी महिमा इतनी है कि ना तो वो सूर्य के द्वारा, सूर्य को तो फिर भी राहु ग्रस्त कर लेता है, पर उनके केवल ज्ञान के रूपी सूर्य को राहु ग्रस्त नहीं कर सकता, बादल आच्छादित नहीं कर सकते, और ना वो कभी डूब सकता है सूर्य की तरह। तो प्रभु इस जगत में आपकी महिमा, आपका उजाला, आपका प्रकाश सूर्य से भी कहीं ज्यादा है। नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्यः स्पष्टीकरोषि सहसा युगपत् जगन्ति नाम्भोधरोदर निरुद्ध महाप्रभावः सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्रलोके। मंत्र ओम नमो नमीयुण अठे मठे क्षुद्र विघट्टे क्षुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय।
सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय 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 भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय 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 भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमीउण अठे मठे शूद्र विघट्टे शूद्र पीड़ां जठर पीड़ां भंजय भंजय। सर्व पीड़ां सर्व रोग निवारणं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा।
ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीम अरहम नमो अठांग महानिमित्त कुशलाणम झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। इतनी मेहरबानी मेरे प्रभु बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतना रहम मेरे भगवान मुझ पे बनाए रखना। सम्यक दर्शनाय नमः, सम्यक ज्ञानाय नमः, सम्यक चारित्राय नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, रोज हम इसकी आराधना करते हैं, पर कभी इसको डीपली सोचा है हमने? सम्यक यानी सच्ची, सच्ची श्रद्धान, सच्ची सम्यक दर्शन, सच्चा दर्शन, सच्चा ज्ञान, सच्चा चारित्र। गौर करने योग्य बात है, जैसे ही एक हम जाप लेते हैं, माला लेते हैं, उसकी तीन मोतियों पे हम कह देते हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। बहुत जरूरी है सम्यक को पहचानना। हम जिस प्रभु की शरण में आए हैं उन पर श्रद्धान रखना। हम इधर भी श्रद्धान रखते हैं, उधर भी रखते हैं, हर कुछ करते हैं, परेशान होते हैं, ज्योतिषी के पास जाते हैं, हर कुछ करते हैं, वो जो कहता है वो करते हैं। वो कहता है ये, मैंने शायद ये वाली बात एक बार और शेयर की थी, फिर शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए कभी मैं मायके से दिगंबर हूं, शादी मेरी श्वेतांबरों में हुई है, तो फिर भी मैं कहूंगी एक श्वेतांबरों में बहुत ज्यादा फिर भी मिथ्यात्व होता है। अपने दिगंबरों में तो फिर भी नहीं होता है, पर श्वेतांबरों में होता है, मिथ्यात्व होता है। मैं कितने लोगों को बोलती हूँ कि मिथ्यात्व छोड़ो, अपने जिनेंद्र प्रभु की शरण में ही आओ। तो मैं आपको एक बार बता रही हूं कि मेरी जब शादी हुई तो मुझे 5 साल तक कंसीव नहीं हुआ। हमने भी ज्योतिषों को बताया, ज्योतिषों ने हमसे कहा कि ठीक है, हम नासिक में रहते हैं इसलिए हम आप त्र्यंबकेश्वर में चलेंगे, उधर नाग बलि देंगे। तो हमने कहा नाग बलि देंगे, तो बोले नहीं नहीं वो तो चांदी का नाग होता है और उसकी अपन बलि देके पूजा वगैरह करेंगे। हम लोग तो परेशान हो रहे थे, भाई पुराना जमाना था, अभी नया जमाना तो नहीं था कि 5-5, 6-6 साल बच्चे प्लानिंग करते रहते हैं। तो फिर हम लोगों ने, दोनों ने घर आके सोचा, हमने कहा यार नाग बलि, वो चांदी का भी नाग हो तो भी क्या हुआ, उसमें भाव तो नाग की बलि देने के आ गए ना। फिर हम दोनों ने निश्चय किया कि नो, हम अपने कर्मों से जूझेंगे पर हम ऐसा कोई भी प्रयोग नहीं करेंगे कि जिसमें नाग बलि हो, कि जिसमें ये हो। फिर हम लोगों ने हाथ जोड़े, किसी ज्योतिषी के पास नहीं गए, कोई पूजा पाठ नाग बलि नहीं की। 5 साल बाद मुझ पर कृपा हुई और मुझे एक अच्छा प्यारा सा बेटा हुआ 6वें साल में। तो मेरा कहने का ये मतलब है, हम परेशानी के टाइम में परेशान बहुत रहते हैं पर फिर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सब मैजिक अब तो भक्तामर श्लोक में रिवील हो चुका है, बता चुके हैं लोग। पहले हम जानते थे पर मानते नहीं थे, अब हम जानते भी हैं, मानते भी हैं और आराधना भी करते हैं। चलिए भैया देखिए, ममता दीदी हैं क्या? ममता जी काम करिए, आज नहीं आई शायद वो। और कोई हीलर हैंड रेस करेंगे क्या? आज मंदिर में प्रोग्राम है पूर्णिमा का, तो मुझे मंदिर जाना है। हाँ
हाँ ममता दीदी, ममता दीदी मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। ओके, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आदिनाथ प्रभु को वंदन नमन करते हुए आदिनाथ प्रभु को कुछ भावों के साथ में उनकी प्रार्थना करते हुए, हे प्रभु आपको कोटि कोटि नमन, हे प्रभु आपको कोटि कोटि वंदन, हे प्रभु आज का यह दिन अच्छी शुरुआत के साथ में दिया इसलिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। हे प्रभु आज का यह दिन अच्छे से व्यतीत होवे ऐसे हम सभी आपके चरणों में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु मुझे इतनी शक्ति दो कि इस हीलिंग के साथ हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के दुख दर्द दूर कर उन्हें स्वस्थ और निरोगी बना सके। हे प्रभु हम में इतना संयम ला दो, हे प्रभु हम में इतना संयम ला दो कि हम हमारे भावनाओं पर नियंत्रण रख सके, नियंत्रण रख सके। इसी शुभ भावों के साथ में आज के हीलिंग की हम शुरुआत तो वंदना जी ने करी है। वंदना जी ने बहुत अच्छे मिथ्यात्व के बारे में भी आपको बताया है। साथ ही मैं आपको बताती हूँ कि अपने रोजमर्रा जिंदगी में हम जो सुबह से शाम तक हम कुछ चीज की अगर मर्यादा करते हैं तो हम बाकी से चीजों से हम मुक्त हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम 14 नियम, अब संसार में इतना पानी है उतना पानी हमें लगता नहीं है। अगर हम सुबह उठते ही यहाँ पचकान ले ले, यहाँ त्याग कर ले कि आज मैं 1000 मेरे पर्सनल जिंदगी के लिए मैं 1000 लीटर पानी के ऊपर पानी का उपयोग नहीं करूंगी तो दुनिया में जितना भी पानी है वेस्ट हो रहा है, जितना पाप हो रहा है वह दोष हमें नहीं लगता है। हम विचार करें वस्त्र की मर्यादा, अगर हम विचार करें कि हमारे पास में इतने वस्त्र है, आज दिन भर के लिए सिर्फ मुझे 3 वस्त्र की जरूरत है तो आप 4 वस्त्र रखती हूँ बाकी वस्त्र का मुझे त्याग, ऐसे छोटे छोटे अगर त्याग। द्रव्य की मर्यादा है, साथ में मुखवास की, ट्रैवलिंग की, आप बहुत से ऐसे छोटे छोटे त्याग करके अपने जिंदगी को मोक्ष मार्ग की ओर ले जा सकते हैं। तो आप सुबह उठते ही इन छोटे छोटे चीजों के त्याग करें तो अवश्य ही आपका जीवन एकदम धर्मशील और मोक्ष की राह पर चलने को तत्पर हो जाएगा। तो आइए वंदना जी की इस पावरफुल हीलिंग के साथ उन्होंने जो हमें मार्गदर्शन दिया है, जो उपदेश दिया है, वह हम हमारे हृदय में रखते हुए आइए हम 28वें नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। 28 नंबर का श्लोक, हमारे बहुत से कार्य जो कार्य अटके हुए रहते हैं सिद्ध नहीं होते हैं। बहुत लोगों कहते हैं कि हमारे पैसे अटके हुए हैं। हर कार्य सिद्ध होने के लिए यह श्लोक का ध्यान बहुत ही लाभदायक है। तो आइए हम प्रभु की भक्ति करते हैं 28 नंबर के श्लोक के साथ में। आप अपने मन में विचार लाइए कि मेरा यह काम होना बाकी था, आज प्रभु की भक्ति करने से पॉजिटिव होकर चलिए कि मेरा यह काम अवश्य हो जाएगा, अवश्य होगा, ऐसा बोलना ही नहीं हमें, मेरा काम हो गया है प्रभु की भक्ति करने से, मेरा यह काम हो गया है, यही भाव रखते हुए उच्चैर शोक तरु संशित मोन्मयूख मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोलसत् किरणमस्ततमो वितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैर शोक तरु संशित मुन्मयूख
महाभाति रूप ममलम भवतो नितांतम स्पष्टोलसत् किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती उच्चैर श्लोकतरु संश्रितमुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तम् स्पष्टोलसत्किरणमस्ततमो वितानम् बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम नमो भगवते जय विजय जुम्भे जुम्भे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्य संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा ओम रीमरम नमो महात्माणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम रीमरम नमो महात्माणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम रीमरम नमो महात्माणम झोम झोम नमः स्वाहा। आइए आज हम 31 नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। 31 नंबर का श्लोक हमारी स्किन संबंधित जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए, साथ ही हमारी यश कीर्ति प्राप्त होने के लिए यह श्लोक का ध्यान बहुत ही लाभदायक है। और यही हमारे ऊपर भगवान का छत्र है, तो हमें यही प्रार्थना करिए, हे प्रभु आपका यह छत्र हमारे ऊपर ऐसे ही रखे रहे कि हमें कोई भी बीमारी, कोई भी किसी भी तरह की स्किन की बीमारी ना आए या कोई भी बीमारी ना आए। छत्र त्रयम् तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितम् स्थगित भानुकर प्रतापम् मुक्ता फल प्रकर चाल विरुद्ध शोभम प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वम् छत्र त्रयम् तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितम् स्थगित भानुकर प्रतापम् मोक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभम् प्रख्यापय त्रिजगत सुनो बोल परमेश्वर त्वम् उच्चैर शोकतरु छत्र त्रयम् तव विभाति शशांक कांत मोचे स्थितम् स्थगित भानुकर प्रतापम् मोक्ता फल प्रकर जाल विवृत शोभम् प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वर त्वम् ओम वसगरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसर विसनी नांसम मंगल कल्याण आवासम ओम रीम नमः स्वाहा ओम वसगरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसर विसनी नांसम
मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा ओम भुवसगरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसर विसनीनांसम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा ओम भुवसगरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसर विसनीनांसम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा ओम भुवसगरम पासम पासम वंदामि कमगण मुक्कम विसर विसनीनांसम मंगल कल्याण आवासम ओम ह्रीम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरम नमो घोर गुण परक्रमाणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण परक्रमाणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण परक्रमाणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरहम नमो घोर गुण परक्रमाणम झोम झोम नमः स्वाहा। आइए 33 नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। वापिस प्रकृति में मौसम बहुत चेंज हो गया है, बहुत से लोगों को बुखार इन्फेक्शन की बहुत तकलीफ हो रही है। तो आइए हम 33 नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। जिसको भी बुखार है उनके लिए यह श्लोक बहुत ही लाभदायक है। मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि को सुमोत कर रोष्टि रोदा गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति तेव च शांत तीर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि को सुमोत्कर वृष्टि रुता गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति तेव च शांत तीर्वा मंदार सुंदर न मेरु सुपारी जात संतान कादि को सुमोत्कर वृष्टि रुता गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत प्रपाता दिव्या दिवा पतति तेव च शांत तीर्वा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ब्लूम ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीम अरम नमो आमो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। 36 नंबर के श्लोक का ध्यान करते हैं। सर्व संपत्ति लाभदायक स्तोत्र है। निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युलसन खमयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति उनिद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युलसन खमयूख शिखाभिरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत पद्मानि तत्व विबुधा
परिकल्पयन्ति ओ निद्रहे मनव पंकज पुंज कांति पर्युलसन्न कमयूख शिखा विरामो पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्त पद्मानि तत्व विबुधा परिकल्पयन्ति ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्राणम आकर्ष आकर्ष आत्म मंत्राणम रक्ष रक्ष पर मंत्राणम छिंद छिंद मम समहितम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं कलिकुंड दंड स्वामिन आगच्छ आगच्छ आत्म मंत्राणम आकर्ष आकर्ष आत्म मंत्राणम रक्ष रक्ष पर मंत्राणम छिंद छिंद मम समिहितम कुरु कुरु स्वाहा रिद्धि ओम ह्रीं अरम नमो विठो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरम नमो विठो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरम नमो विठो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। अजय भैया आप ले सकते हो, मुझे भी मंदिर जाना है, आपको अनम्यूट करती हूँ मैं। अजीत जी कोहोस्ट है, कोहोस्ट है। हाँ तो अजय भैया कंटिन्यू करोगे आप, आज कार्तिक की पूर्णिमा है, मंदिर जाना है। हाँ। अजीत जी कोहोस्ट है। हाँ अनम्यूट करिए भैया आप, अनम्यूट। श्लोक नंबर एक से शुरू कर दूं? हाँ चलेगा भैया। ताम्र प्रणत मौलि मणि प्रभाणाम् द्योतकम् दलित पाप तमो विधानम् सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगातावलम्बनम् भवजले पततांजनानाम् ओम राम रीम रूम श्रीं क्लीं रूम क्रूं ओम रीं नमः स्वाहा ओम राम रीम रूम श्रीं क्लीं रूम क्रूं ओम रीं नमः स्वाहा ओम राम रीम रूम श्रीं क्लीं रूम क्रूं ओम रीं नमः स्वाहा ओम राम रीम रूम श्रीं क्लीं रूम क्रूं ओम रीं नमः स्वाहा ओम राम रीम रूम श्रीं क्लीं रूम क्रूं ओम रीं नमः स्वाहा ओम रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा ओम रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा ओम रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा ओम रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। पांचवें नंबर का श्लोक आंखों के लिए। सोहम तथा पितव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त पित्यात्मवीर्यम विचार्यन गीनगेन्द्रम अभेति किं निज शिशोः परिपालनार्थम सोहम तथा पितव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीर्येम विचारेम गीमगेन्द्रम नभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम सोहम तथा पितव भक्ति वशान मुनीश कर्तुम तवम विगत शक्तिरपि प्रवर्त प्रीत्यात्मवीर्येम विचार्येम गीमगेन्द्रम नभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपाशना जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपाशना जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं क्रों सर्व संकट निवारणेभ्यो श्री सुपाशना जिनेन्द्रेभ्यो नमो नमः स्वाहा।
ओम ब्रीं अरम नमो अंतो ही जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरम नमो अंतो ही जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरम नमो अंतो ही जिनानम झोम झोम नमः स्वाहा। छह नंबर का श्लोक समस्त मस्तिष्क संबंधी विकारों के लिए। अल्पाश्रुतम श्रुतवताम परिहाश्रधाम त्वपतिरेव मुखरी कुरुते बलान्वम यत्कोकिला किल्मदौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारु कलिका निकरै कहेतु। ओम ब्रीं सां श्रीं श्रूं श्रहं सं था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीं सां श्रीं श्रूं श्रहं सं था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीं श्राम श्रीं श्रूं श्रा अं सं था 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 सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ब्रीं अरं नमो कोटिबुद्धिनं झं झं नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरं नमो कोटिबुद्धिनं झं झं नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरं नमो कोटिबुद्धिनं झं झं नमः स्वाहा। आठवें नंबर का श्लोक मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मरेत आरभ्यते तनुधिया पितव प्रभावत् चेतो हरिष्यति सतां दलिनी तलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिन्दु। ओम राम रीम ब्रूम रे असी औसा है कपि चक्रे फट चक्राए झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम ओम राम रीम ब्रूम असी औसा है प्रति चक्रे फट चक्राए झोम झोम नमः स्वाहा। ओम राम रीम ब्रूम असी औसा है प्रति चक्रे फट चक्राए झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अरियंताणम नमो पदारिसा पदानुसारिणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो पदानुसारिणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो पदानुसारिणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम ब्रीं अरम नमो अरिहंताणम नमो पदानुसारिणम झोम झोम नमः स्वाहा। सत्रहवें नंबर का श्लोक समस्त उदर संबंधी रोगों के लिए, पेट संबंधी रोगों के लिए। नास्तम कदाचिद् उपयासिनुरा राहु गंग स्पष्टीकरोषि सहसायुग पच्छगन्ति नभोदरो दरुनिरुक्त महाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा श्रीमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिनु राहुगं स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्छगन्ति नभोदरोदरुनिरुक्तमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा श्रीमुनिन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासिनु राहुगं स्पष्टीकरोषि सहसा युगपच्छगन्ति नभोदरोदरुनिरुक्तमहाप्रभाव सूर्यातिशायि महिमा श्रीमुनिन्द्रलोके। ओम नमो नीरठे मठे छत्रिघट्ठे छत्रपीड़ाम जटपीड़ाम भंजे भंजे सर्वपीड़ाम सर्वरोग निवारणाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नीरठे मठे छत्रिघट्ठे छत्रपीड़ाम जटपीड़ाम भंजे भंजे सर्वपीड़ाम सर्वरोग निवारणाम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा।
ओम नमो नमी लट्ठे मट्ठे छुद्र विकट्ठे छुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम बंजे बंजे सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीं हरम नमो अठांग महानीत कुसराणाम झ्रम झम नमः स्वाहा। ओम रीं हरम नमो अठांग महानीत कुसराणाम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं हरम नमो अठांग महानीत कुसराणाम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं हरम नमो अठांग महानीत कुसराणाम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं हरम नमो अठांग महानीत कुसराणाम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं हरम नमो अठांग महानीत कुसराणाम झम झम नमः स्वाहा। इस श्लोक के स्मरण से समस्त उदर संबंधी रोग धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और ऐसा स्मरण रखना चाहिए कि मेरे पेट में जो भी विकार है सब दूर हो रहे हैं, सब दूर हो रहे हैं, सब दूर हो रहे हैं। मैं निरोग हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। छब्बीस नंबर श्लोक, भगवान को स्तुति करते हैं चारों प्रकार से, चार बार भगवान को स्तुति की गई है इसमें। बहुत ही सुंदर श्लोक है, मनोहर श्लोक है। तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषिणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय, तुभ्यं नमः त्रिभुवनात्रिहराय नाथ, तुभ्यं नमो जिन क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः त्रिजगतः परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधिशोषणाय। ओम नमो ओम रीं श्रीं क्लीं हूं हूं पर्जन शांति विहारे जयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो ओम रीं श्रीं क्लीं हूं हूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो ओम रीं श्रीं क्लीं हूं हूं पर्जन शांति व्यवहारे वयं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो ओम रीं श्रीं क्लीं हूं हूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो ओम रीं श्रीं क्लीं हूं हूं पर्जन शांति व्यवहारे जयं कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम रीं अरम नमो दित्यतवाणम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं अरम नमो दित्यतवाणम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं अरम नमो दित्यतवाणम झम झम नमः स्वाहा। ओम रीं अरम नमो दित्यतवाणम झम झम नमः स्वाहा। 28 नंबर का श्लोक, अपनी जो भी कामना हो, जो भी प्रतिष्ठा चाहते हो, इसके अलावा डेंगू के प्लेटलेट्स बढ़ाने में ये बहुत सहायक होता है। 28 नंबर का श्लोक, उच्चैर शोक तरु संसित मन्यमूख, मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टो लसत् किरणमस्ततमो वितानं, बिम्बं रवेरिविपयो दर्पार्श्ववर्ति, उच्चैर शोक तरु संसित मन्यमूख, मा भाति रूप ममलं भवतो नितान्तं, स्पष्टो लसत् किरणमस्ततमो वितानं, बिम्बं रवेरिविपयो दर्पार्श्ववर्ति।
ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय जुम्बे जुम्बे मोहे मोहे सर्व सिद्धि सौभाग्यम संपत्ति सौख्यम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो महातवानम जौम जौम नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो महातवानम जौम जौम नमः स्वाहा। ओम रिं अरम नमो महातवानम जौम जौम नमः स्वाहा। ओम रिं अरम नमो महातवानम जौम जौम नमः स्वाहा। ओम रिं अरम नमो महातवानम जौम जौम नमः स्वाहा। 33 नंबर श्लोक ज्वर के लिए। मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता संतान काति कुछ मौत कर रिष्टिरुद्ध कंध्योद बिंदु शुभ मंद मरु प्रपाता दिव्यादि पतति देवय सांततिर्वा। ओम रिंग श्रीं क्लीं ब्रूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम रिंग श्रीं क्लीं ब्रूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम रिंग श्रीं क्लीं ब्रूं ध्यान सिद्धि परम योगीश्वराय नमो नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो सबो सोहि पत्ताणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो सबो सोहि पत्ताणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो सबो सोहि पत्ताणम जोम जोम नमः स्वाहा। 35 नंबर श्लोक कोरोना या प्राकृतिक प्रकोप संबंधी सभी बीमारियों के नाश के लिए। सर्गापवर्ग गम मार्ग बीमार गणेश सद्धर्म तत्व कथनैक पटुस्त्रिलोक्य दिव्याध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व आशा स्वभाव परिणाम गुणै प्रयोज्य। ओम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव वस्त्र सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो वज गमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो जय विजय अपराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत श्रावणी अमृतम भव वस्त्र सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो वज गमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रिंग अरम नमो जल्लो सही पत्ताणम झोम झोम नमः स्वाहा। 45 नंबर श्लोक सभी बीमारियों के कितनी भी क्लिष्ट से क्लिष्ट बीमारी हो सबके नाश के लिए सबकी पीड़ा कम करने के लिए नाश के लिए यह मास्टर श्लोक है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भूता शौचाम शाम उपगताशुत जीवताशा तत्पाद पंकज रजो मृत दीप्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवते चुत्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रिं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम रिं ओम नमो भगवते चुत्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रिं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम नमो भगवते चित्रोपद्रव शांति कारिणी रोग कष्ट जरोप शमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रिं भगवते भय भीषण हराय नमः। ओम रिं अरम नमो अखिण महानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रिं अरम नमो अखिण महानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रिं अरम नमो अखिण महानसाणम झोम झोम नमः स्वाहा। 48 नंबर का श्लोक मोक्ष लक्ष्मी के लिए।
स्त्रोत सजम तभुजिनेन्द्र गुणैनिवेद्यम् पतंगया विदिद्वर्ण विचित्र पुष्पम् प्रत्येजनो च यैः कण्ठगताम् दस्तम् तं मानतुङ्गम् वसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गम् वसा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गम् वसा समुपैति लक्ष्मी ओम राम रीम रोम रोम रयसी औसौम जम नम स्वाह ओम नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम झम झम नम स्वाह ओम राम रीम रोम रोम रयसी औसौम झम नम स्वाह ओम नमो भगवतो महदी महावीर वर्धमान बुद्धि ऋषिणम झम झम नम स्वाह ओम राम रीम रोम रोम रयसी औसौम झम नम स्वाह ओम नमो देवदो महदी महावीर वर्धमानानां बुद्धि ऋषिणं झं झं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो सर्वताहूनां झं झं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो सर्वताहूनां झं झं नमः स्वाहा ओम ह्रीं अरं नमो सर्वताहूनां झं झं नमः स्वाहा जगन्नाथ भगवान की जय जगन्नाथ विश्व भगवान की जय। अभी गोपाल जी ले ले भोपाल से उनका हैंड रेज है गोपाल जी हाँ विनय भाई साहब हाँ जी सर हाँ हाँ अभी गोपाल जी का एंड्रेज है उनको एक बार म्यूट कर दीजिए। गोपाल जी करेंगे बहुत अच्छी हीलिंग करती हैं गोपाल जी की। हाँ उनका एंड्रेज है जी गोपाल जी अनम्यूट करिए। हाँ सभी को सादर जय जने। पूरी हीलिंग देनी है भैया? हाँ जितना आपको लगे मेन मेन श्लोक का। अच्छा ठीक है बिल्कुल। सभी को सादर जय जने और अर्चना दीदी को प्रणाम विनय भैया को प्रणाम। आज हम आदिनाथ भगवान की अपरंपार ऊर्जा से हीलिंग कर रहे हैं। हम पहले मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम नमो आयरियानम नमो वज्रायाणम नमो लोए सब हम अपनी प्रार्थना 9 बार आदिनाथ भगवान के चरणों में जाप रखकर करेंगे। हे आदिनाथ भगवान हमने इस जन्म या पूर्व जन्मों में हमसे कोई भी गलती हुई हो कोई भी पाप हुआ हो जाने अनजाने दिन या रात में हमें लोगे सर्व दोषों का हम पश्चाताप करते हुए आपकी ऊर्जा ले रहे हैं। इस ऊर्जा से हम स्वस्थ हो रहे हैं स्वस्थ हो रहे हैं स्वस्थ हो रहे हैं। आपके दाहिने पैर के अंगूठे से जो ऊर्जा निकल रही है वो हमारे सहस्त्रार चक्र से पूरे शरीर में समाहित हो रही है और इस ऊर्जा से हम स्वस्थ हो रहे हैं मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त हो रहे हैं। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नामा ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा।
ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा। ओम रीम श्रीम क्लीम एम बड़े बाबा अरहम नमा। आदिनाथ भगवान को धन्यवाद देते हुए उनके समक्ष हम मंगलाचरण करेंगे कि हे आदि प्रभु, हम आपके दरबार में खड़े हैं, हमें स्वस्थ कीजिए, हमें स्वस्थ कीजिए। भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाणम मुद्योतकम दलित पाप तमो वितानम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भव जले पतताम जनानम य संस्तुत सकल वाङ्मय तत्वबोधा दुद्भूत बुद्धि पटु बीसुर लोकनाथे स्तोत्रय जगत्त्रितय चित हरे रुदारे स्तोषे किला हम पितम प्रथमं जिनेन्द्रम। हमारे दिन भर के कार्यों से हम 50-60% ऊर्जा यूं ही खत्म कर देते हैं हमारी आंखों से। मोबाइल के जमाने में हमारी आंखों को बहुत सारी नई नई परेशानियां दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हम इन दो काव्यों से सारी आंखों की परेशानियां आदिनाथ भगवान की ऊर्जा से दूर कर रहे हैं। एक श्लोक से हमारी दृष्टि बढ़ती है और एक श्लोक से हमारी जो आंखों की प्रॉब्लम्स है वो खत्म होती है। ये बहुत ही चमत्कारी है आंखों के लिए और इनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ये हमारे जीवन में हमारे जीने का दृष्टिकोण भी सकारात्मक करता है। हम आदिनाथ भगवान से प्रार्थना करते हैं। बुद्ध्या विनापि विबुदार्चित पाद पीठस तोत्युं समोद्यत मतिर्विगत त्रपोहं बालं विहाय जल संस्थित मिंदु बिंब मन्यक ईचति जन सहसा ग्रहीतुम् ओम रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम सिद्धेभ्यो बुद्धेभ्यो सर्वसिद्धिदायकेभ्यो नमः स्वाहा। हम सब अपनी आंखों पर हाथ रखेंगे और ऊर्जा लेंगे। ओम रीम अरम नमो परमो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो परमो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो परमो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा। सोहम तथापि तव भक्ति वशान मुनीश कर्तुं स्तवं विगत शक्तिरपि प्रवृत्त प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभेति किं निज शिशो परिपालनार्थम। ओम रीम श्रीम क्लीम क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपाशना जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्य श्री सुपाशना जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। ओम रीम श्रीम क्लीम क्रौं सर्व संकट निवारणेभ्यो सुपाशना जिनेन्द्रभ्यो नमो नमः स्वाहा। हमारी आंखों पर हम हाथ रखते हुए ऊर्जा लेंगे। ओम रीम अरम नमो अनंतो हि जिनाणम झोम झोम नमः स्वाहा।
ओम रीम अरम नमो अनंत जिनानम झोम झोम नम स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अनंत जिनानम झोम झोम नम स्वाहा। जीवन में सोच बहुत काम करती है। जैसा हम सोचते हैं हमारे बॉडी में वैसा ही सिक्रीशंस होता है। हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। एक भी नेगेटिव विचार हमारे शरीर के ऑर्गन्स को बहुत नुकसान पहुंचाता है। हम आदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि इस श्लोक से हम सकारात्मक सोचे, पॉजिटिव सोचे, हमारा माइंड सेट हर चीज के लिए तैयार रहे। इससे बुद्धि का विकास भी होता है, मेमोरी भी शार्प होती है। अल्प श्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम तद्भक्तिरेव कुरुते तद्भक्तिरेव मुकुरी कुरुते बलान्म यत्को किल किल मधो मधुरम विरोति तचाम्र चारु कलिका निकरेक है तू। ओम रीम श्राम श्रीम श्रोम श्रा हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्राम श्रीम श्रोम श्रा हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम श्राम श्रीम श्रोम श्र हम सम थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम कुरु कुरु स्वाहा। सब अपना हाथ सहस्त्रार पर रखेंगे और ऊर्जा लेंगे अपने ब्रेन के लिए। ओम रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नम स्वाहा। ओम रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नम स्वाहा। ओम रीम अरम नमो कोट बुद्धिनम झोम झोम नम स्वाहा। आजकल जॉइंट पेन्स एक कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। हमें समय के साथ हमारे बहुत सारे जॉइंट्स, हमारे खान पीन के असर से जॉइंट्स पेन होते हैं और इन जॉइंट पेन से हम हमारा मंदिर हमारा धर्म छूट जाता है। हम आदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें इतना स्वस्थ कर सके कि हम चल के निरोगी होके उनके दरबार तक पहुंच सके। सब ये सोचेंगे कि मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं उनके दरबार में जाने के लिए तैयार हो चुकी। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्री भुवनम तव लंगयन्ति ये संस्थिता स्त्री जगदीश्वर नाथ मेकम् कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम्। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। ओम भगवते कैवल्य ज्योतिषे नमः स्वाहा। हम हमारे सहस्त्रार पर हाथ रखते हुए ऊर्जा देंगे। ओम रीम अरम नमो व्योल मदिनम झोम झोम नम स्वाहा। ओम रीम अरम नमो व्योल मदिनम झोम झोम नम स्वाहा। ओम रीम अरम नमो व्योल मदिनम झोम झोम नम स्वाहा। हमारे अनाहत चक्र यानी हार्ट चक्र पर हाथ रखेंगे। ये हमारे गले से लेके नाभि तक के जितने भी बोन्स हैं, जितना भी स्केलेटल सिस्टम है उसको ऊर्जा देगा। ओम रीम अरम नमो व्योल मदिनम झोम झोम नम स्वाहा। ओम रीम अरम नमो व्योल मदिनम झोम झोम नम स्वाहा।
ओम रीम अहरम नमो व्यूल मदीनम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारे नाभि पे हाथ रखेंगे, ये हमारे नीचे पैरों तक के लिए ऊर्जा प्रदान करेगा। ओम रीम अहरम नमो व्यूल मदीनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अहरम नमो व्यूल मदीनम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अहरम नमो व्यूल मदीनम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारे लीवर, किडनी, स्प्लीन, गॉल ब्लैडर, ये हार्ट जैसे मुख्य अंग होते हैं जो हमें हमारे शरीर को सुचारू रूप से चलाते हैं। इनको नई ऊर्जा मिलती रहे, इनमें नए सेल्स डेवलप हों, ये स्वस्थ हों, ऐसे हम कामना करेंगे। नास्तं कदाचिदुपयासीन राहो गम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युग पज्जगन्ति नाम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाही महिमासि मुनिन्द्र लोके। ओम नमो नमियों अट्ठे मट्ठे शुद्र विगट्ठे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम नमो नमियों अट्ठे मट्ठे शुद्र विगट्ठे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नमियों अट्ठे मट्ठे शुद्र विगट्ठे शुद्र पीड़ाम जठर पीड़ाम भंजय भंजय सर्व पीड़ाम सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। सब अपनी नाभि पे हाथ रखेंगे और अपने ऑर्गन्स को नई ऊर्जा देंगे। ओम रीम अरम नमो अठांग मानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अठांग मानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो अठांग मानिमित कुशलानम झोम झोम नमः स्वाहा। अभी तरह तरह के प्रकृति प्रकोप चल रहे हैं, जैसे कि वायरल, डेंगू, मलेरिया और कोरोना। इन सब से हमें बचना है, हमें इम्यूनिटी चाहिए और आदि प्रभु की ऊर्जा से सबसे अच्छी इम्यूनिटी मिलती है। इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। हम उनके प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ये इम्यूनिटी प्रदान करें। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्ग निष्ठ सद्धर्म तत्व कथनेक पटु स्त्रीलोक्य दिव्य ध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयोज्य। ओम रीम अरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भववशत सुदाये नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ति रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भव वशट सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो जय विजय पराजिते महालक्ष्मी अमृत वर्षिणी अमृत स्त्राविणी अमृतम भव वशट सुधाये नमः स्वाहा। ओम नमो गजगमने सर्व कल्याण मूर्ते
रक्ष रक्ष नमः स्वाहा। सब ओम रीम अरम नमो जल्लो सही पताणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो जल्लो सही पताणम जोम जोम नमः स्वाहा। ओम रीम अरम नमो जल्लो सही पताणम जोम जोम नमः स्वाहा। कहते हैं ये जैन धर्म का संजीवनी श्लोक है। संजीवनी बूटी की तरह हमारे स्वास्थ्य पर ये काम करता है। असाध्य से असाध्य रोग अगर हम मन खोलकर भावों से लें तो इसे ठीक किया जा सकता है। इसमें इतनी ताकत है कि ये कैंसर जैसे रोगों को भी जड़ से नष्ट कर देता है। हम आदि प्रभु से प्रार्थना करेंगे, हे भगवान हमें स्वस्थ रखें। आपके इस श्लोक की ऊर्जा से रत्नत्रय के मार्ग में हम प्रशस्त हो ऐसी भावना रखते हैं। उद्भूत भीषण जलोदर भार भूगना सोचाम दशा मुग पताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोचाम दशा मुग पताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। उद्भूत भीषण जलोदर भार भुग्ना शोच्याम दशा मुग पताश्युत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा। ओम नमो भगवती शूद्र उपद्रव शांति कारिणी रोग काष्ठ ज्वरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराये नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग काष्ठ जरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराये नमः। ओम नमो भगवती शूद्रोपद्रव शांति कारिणी रोग काष्ठ ज्वरोक्षमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम रीम भगवते भय भीषण हराये नमः। हमारा जीवन और हमारा शरीर सात चक्रों पर चलता है और हम आदि प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम उनकी रिद्धि मंत्र से सातों चक्रों को ऊर्जा देंगे। और इन सातों चक्रों को ऊर्जा देने से हमारा शरीर तो स्वस्थ होता ही है, पर हमारी जो पारिवारिक समस्याएं, हमारी जो दूसरी सारी समस्याएं हैं, वो सबका भी हल होता है। हम सहस्त्रार पर हाथ रख के ये प्रार्थना करेंगे, हमारे सारे ऑर्गन सुचारू रूप से काम करें, हम स्वस्थ रहें। ओम रीम अरम नमो अखीण मानसणम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारे आज्ञा चक्र पर हाथ रखेंगे और प्रार्थना करेंगे कि हमारी आईज, हमारा जो पूरा स्केलेट, हमारा जो पूरा फेस है, हमारे जॉज, हमारे यर्स, ये सब सुचारू रूप से काम करें। ओम रीम अरम नमो अखीण मानसणम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारे विशुद्धि चक्र को हम ऊर्जा देंगे, ये हमारे थायराइड, थाइमस, हमारे इन जो मेन ग्लैंड्स हैं जो हार्मोन सिक्रीशनल करते हैं उनको होल्ड करता है,
और हमारी जीवन में वाणी सिर्फ मीठी निकले और अच्छी निकले। ओम रीम आरम नमो अखीण मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारे हार्ट चक्र पर आएंगे, हार्ट्स और इससे रिलेटेड सारे ऑर्गन स्वस्थ हो, लंग्स में ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर हो। ओम रीम आरम नमो अखीण मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारे नाभि पे जाएंगे, नाभि पे मणिपुर चक्र को ऊर्जा देंगे जो हमारे सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को होल्ड करता है। ओम रीम आरम नमो अखीण मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। दोबारा नाभि पे हाथ रखते हुए हम स्वादिष्टान चक्र को ऊर्जा देंगे जो हमारे लीवर, किडनी, स्प्लीन, पैनक्रियास को स्वस्थ करता है। ओम रीम आरम नमो अखीण मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। ये इतने शुद्ध मंत्र होते हैं कि हम हाथ नाभि से नीचे नहीं ले जाते हैं। नाभि पे रखते हुए हम मूलाधार चक्र जो हमारे पूरे शरीर के स्केलेटल सिस्टम यानी सारी हड्डियों को वो करता है, ऊर्जा देता है, हमारे मसल्स, हमारे एक एक बोन्स को ऊर्जा देता है, हम उस मूलाधार चक्र को ऊर्जा देंगे। ओम रीम आरम नमो अखीण मान चरणम झोम झोम नमः स्वाहा। हमारी बैकबोन को ऊर्जा देंगे ताकि हमारी पीठ स्वस्थ रहे। ओम रीम आरम नमो अखीण मान चरणम झोम झोम नमः स्वाहा। और अंत में हम हमारी कमर, बैक से कमर्स को ऊर्जा देंगे। ओम रीम आरम नमो अखीण मानसानम झोम झोम नमः स्वाहा। 48वां श्लोक हमें मोक्ष लक्ष्मी की कामना, मोक्ष लक्ष्मी की ओर ले जाता है। जो मोक्ष लक्ष्मी पाता है उसे सांसारिक लक्ष्मी या सांसारिक संसाधनों के पीछे नहीं भागना पड़ता, वो अपने आप ही चली आती है। तो ऐसी मोक्ष लक्ष्मी वाला हम काव्य करके अपने आप को कृतार्थ करेंगे। स्त्रोत्रैस्त्रजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धं भक्तामया रुचिरवर्ण विचित्र पुष्पां दत्ते जनो यकंटगतामजस्त्रं तमानतुंगमवशासमुपेति लक्ष्मी। ओम नमो ओम नमो राम रीम रूम रोम रसिया झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो मदिमावी वड्डमानं बुद्धिरिषिणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रसिया झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो मदिमावीर वड्डमानानं बुद्धिरिषिणं झोम झोम नमः स्वाहा। ओम राम रीम रूम रोम रसिया झोम झोम नमः स्वाहा। ओम नमो भैवदो मदिमावीर वड्डमानानं बुद्धिरिषिणं झोम झोम नमः स्वाहा। और इस मंगलमय ओम आपन रिद्धि का वो करेंगे। ओम रीम आरम नमो रीम आरम नमो सर्वसाहूणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम आरम नमो सर्वसाहूणम झोम झोम नमः स्वाहा। ओम रीम आरम नमो सर्वसाहूणम झोम झोम नमः स्वाहा। और इतने सुंदर दिन के लिए जहाँ पे हम आदि भगवान के दरबार में खड़े हैं, उन्हें धन्यवाद देंगे, उनकी प्रार्थना करेंगे कि रोज नया दिन हमारा इसी मंगलमय रूप से शुरू हो और हम पूरे दिन स्वस्थ और खुशी खुशी बिताएं। तो भ्यम नमः त्रिभुवना तिहराय नाथ तुभ्यम नमः शीतितालामल भूषणाय तुभ्यम नमः त्रिजगत परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। ओम नमो ओम रीम श्रीम
जन शांति व्यवहारे जयम कुरु कुरु नमः स्वाहा। ओम रीम आरम नमो दित्तवाणम झम झम नमः स्वाहा। विनय भैया गोपाल जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, आपको कुछ बोलना है मतलब अगर 10 मिनट धर्म के बारे में कुछ बोले फिर अपन बोल ले लेंगे। नहीं बस आज तो टाइम ज्यादा हो गया ना। प्रतिक्रमण करा दीजिए। प्रतिक्रमण गोपाल जी जय विनयन। जय जिनेन। धन्यवाद गोपाल जी। हाँ भैया आ गए हम बोलिए। हाँ क्या करना है? बस प्रतिक्रमण कराना है। हाँ हाँ प्रतिक्रमण करा के एंड कर देंगे। ओके ओके। हम हमारे से ये ऊर्जा लेने में कोई भी दोष लगा हो, हमसे कोई भूल हुई हो, इसके लिए हम आदि प्रभु से माफी मांगेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे कि इस भव या पूर्व भव में हमसे कोई भी गलती हुई हो तो हम उसका प्रतिक्रमण करते हैं, वो हमें क्षमा करे, हमें स्वस्थ रखे। भाव प्रतिक्रमण। हे अरिहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कार्य तन्मोदना द्वारा समरम समारम आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भव या पूर्व भव में सच्चे देव गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार का दोष लगा हो, एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगे सर्व दोषों का मैं पश्चाताप करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, मेरे सभी दोष मिथ्या हो, मैं मुझ में रहूं। मेरे किन्हीं कार्यों के कारण जिन जीवों को दुख पहुंचा हो, मन दुखा हो, उन सभी जीवों से मैं क्षमा मांगता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे क्षमा करें। मैं आपको साक्षी मानकर संकल्प लेता हूँ कि ऐसी गलतियां फिर नहीं करूंगा। मैंने बहुत से अच्छे कार्य भी किए हैं, जैसे नित्य देव दर्शन करना, नित्य पूजन करना, तीर्थवंतना, पंच कल्याणकों में जाना, शिविरों में जाना, औषध दान, आहार दान, विद्या दान आदि ऐसे अच्छे कार्य भविष्य में भी करते रहूंगा। मेरे संपर्क में जो भी आएंगे उन्हें अच्छे कार्य करने के लिए और बुरे कार्य नहीं करने के लिए प्रेरित करता रहूंगा। हे भगवान, मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आध्यात्मिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा जितना जरूरी हो उतना आर्थिक रूप से स्वस्थ रहूं, मोक्ष मार्ग में प्रशस्त रहूं। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यह अनुष्ठान कर रहा हूं। मेरा यह अनुष्ठान अंतिम सांस तक निर्विघ्न चलता रहे। जिस दिन मेरा अनुष्ठान करने की स्थिति नहीं हो उसी दिन मेरा देह परिवर्तन हो जाए। मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो रहा हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं, मैं स्वस्थ हो चुका हूं। स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, स्वस्थो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः आरोग्यो हम, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सुखम, ओम सुखम, ओम सुखम। बोलो अरिहंत भगवान की जय, पंच परमेश की भगवान की जय, चौबीसो भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, मांगतुंगाचार्य की जय, जिनवाणी माता सरस्वती माता की जय। मुझसे और मेरे पार्टिसिपेंट्स द्वारा कुछ भी बोलने में अक्षर मात्रा व्यंजन अधिक या कम बोला गया हो तो मैं आदि प्रभु से क्षमा मांगती हूँ, जिनवाणी माता सरस्वती माता से क्षमा मांगती हूँ कि वे हमारी इस त्रुटि के लिए क्षमा करें। आप सभी को जय दिनेन, सभी को क्षमा, सभी से क्षमा, सभी को जय जिनेन। बहुत सुंदर गोपाल जी, बहुत अच्छी तरह से आपने हीलिंग कराई और आज तो हमारा सो अवसर था ये कि आज चार लोगों से हीलिंग मिली और हाँ। आज तो अजीत भैया ने भी हमारी हीलिंग कराई, ये सबसे बड़ी बात है कि आज भाई साहब पहली बार हीलिंग के लिए बैठे। और जो ये थी, क्या नाम था उनका,
वंदना जी, वंदना जी, हाँ वंदना जी ने भी बहुत अच्छे से हीलिंग कराई, जीव के बारे में बताया किस तरह हम मॉर्निंग में अर्चना दीदी जो बताती हैं वो उन्होंने बताया, उसको दोबारा रिमाइंड करा दिया कि सुबह उठ के हम किस तरह से गैस को जलाएं और उसको करके साफ करके जिससे कि कोई जीव हत्या ना हो, जल के बारे में बताया। और बाद में दूसरी आई ममता जी, तो ममता जी ने भी बताया कि किस तरह से हमें जल की रक्षा करनी है। वाकई में ये मैं भी सोचती हूँ कि जल जो है ये बहुत अमूल्य चीज है हमारे लिए, हम अपने लिए वसीयत में बच्चों को कुछ ना छोड़ के जाए, लेकिन हमें ये सोचना है कि उनके लिए हमें जल छोड़ कर जाना है। वो हम तभी छोड़ सकते हैं जब हम उसकी बचत करें, हम कम से कम उसे यूज करें, वेस्ट तो बिल्कुल ही भी ना करें। तो ये बच्चे इतने योग्य हैं सभी के कि वो धन तो कमा सकते हैं बट जल नहीं ला सकते, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उस जल की रक्षा करें, जरूर रक्षा करें। और ये वसीयत उनके काम आएगी आगे की जनरेशंस को, धन कुछ नहीं, धन सब कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस चीज के बारे में अवेयरनेस दी सब लोगों ने और बहुत अच्छी तरह से चारों ही लोगों ने हीलिंग कराई, उसके लिए सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत आभार चारों का। सभी को जय जिनेन्द्र, तो विनय भैया को जय जिनेन्द्र, अर्चना दीदी को, ललिता दीदी को जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र, सभी से क्षमा उत्तम क्षमा, सभी से क्षमा उत्तम क्षमा। चलिए लीव करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, एक दो दिन और है जी, ठीक है जी, परसों तो मेरा, आप संडे में कह रहे ना भैया, हाँ जी ठीक है, सैटरडे कल मिया जी को बोलते पर संडे आप करिए जी, तब लोग तैयार हो जाओ, रेखा जी हीलिंग देने वाली हैं। अरे अरे हीलिंग नहीं भैया, भैया हीलिंग आपको अपने नहीं, आप को मैं हीलिंग नहीं भैया, भैया मैं हीलिंग नहीं दूंगी, मैं तो कुछ बताऊंगी जो दीदी ने मुझे ज्ञान दिया है उस ज्ञान के कुछ अंश बताऊंगी मैं। मुझे तो 8 बजे हीलिंग के बाद 8 बजे का टाइम दे दीजिएगा जिससे मैं दीदी ने जो ज्ञान दिया है। आपको हीलिंग भी देना है, पूरा करना है, आप कंप्लीट तैयारी कर लीजिए, 2 दिन भैया, 2 दिन आपके पास, कंप्लीट 2 दिन है आपके पास, एक तो मेरे साथ कर दीजिएगा हीलिंग, तो कोपल जी को भी कर दे आप मेरे साथ ना, नहीं रेखा जी आप सब कुछ कर सकती हो, हीलिंग भी दे सकती हो और नहीं मैं वो, 2 लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है 2 लोग रहेंगे लेकिन आधे आधे श्लोक आप भी देना है, ठीक है, अच्छा ठीक है, थोड़ी देर भैया ये सही, 1-2 श्लोक मैं भी ले लूंगी लास्ट के, और कोपल जी साथ रहेंगी मेरे, पहले वो कर लेंगे 8 बजे से, फिर मैं दीदी ने जो ज्ञान दिया उसमें से कुछ बोल दूंगी और अपना तो कुछ नहीं है तो वही चीजें बोल दूंगी जो मुझे ज्ञान दीदी रोज देते हैं। 1.5 साल अचानक ही बोल दिया क्या कह रहे हैं भैया, अजीत भैया क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ मेरे को तो भाई साहब ने अचानक ही बोल दिया कि हीलिंग पे शुरू करूं, मैं तो जानता नहीं, नहीं तो आपने बहुत अच्छी तरह भाई साहब पढ़ा, एक एक श्लोक मंत्र रीति सब पढ़े हैं, तो ये भी यही तो चीज है उसमें हीलिंग में कि हमारे मंत्रास जो हमारे वर्क करते हैं, वाइब्रेशन देते हैं हमारी बॉडी में जो हमारे ठीक होने की तरफ जाते हैं, तो आपने बहुत अच्छी तरह से मंत्र वगैरह किए और मुझे खुशी हुई कि भाई आज भाई भाई साहब ने भी हीलिंग दी तो बहुत अच्छा लगा, रियली अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा भाई साहब, अजीत जी भावों से करते हैं पूरा अच्छे से जी, यही मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छा लगा कि आज भाई साहब ने भी दी, आज सौभाग्य था कि 4 लोगों से मिल गई हमें। चलिए लीव करते हैं, धन्यवाद जी, थैंक यू भैया, जय जी।